गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट हिंदी लैंग्वेज अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश करने से पहले हमें पता होना चाहिए अपठित गद्यांश क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो अपठित गद्यांश का अर्थ है जिसे ना पढ़ा गया हो, जिसे अभी तक पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश में एक छोटी कहानी होती है, एक छोटा पैसेज होता है, उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों के हल हमें करने होते हैं। उस छोटे से कहानी से हमें कुछ उत्तर ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो यहां भी हम लोग एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के हल हमें करने हैं। तो मैं अभी कहानी पढ़ने जा रहा हूं। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में लड़ाई चलती रहती थी। प्राचीन युग में मतलब बहुत पुराने जमाने में सुरों और असुरों में लड़ाई चलती रहती थी, मतलब देवताओं और राक्षसों में लड़ाई चलती रहती थी। असुरों के दल के नेता का नाम वृत्रासुर था। असुरों के दल मतलब राक्षसों के दल के जो नेता थे, उस नेता का नाम था वृत्रासुर। सभी देवता उससे भयभीत रहते थे, मतलब जितने भी देवता थे सभी उस राक्षस से डरते थे। वृत्रासुर को मारने का उपाय पूछने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब देवताओं को कुछ समझ में नहीं आया कि इस राक्षस को कैसे मारा जाए, तब सभी देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं उपाय पूछने के लिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। सभी देवता को ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं। तुम सरस्वती नदी के तट पर बने दधीची के आश्रम में चले जाओ। सभी देवता को कहते हैं कि तुम आप सभी लोग एक दधीची नाम का व्यक्ति है, आप सब उसी के पास चले जाइए। उनको अपनी समस्या बताकर उनसे उनकी अस्थियां दान में मांग लो। दधीची को बताकर कि देवताओं की क्या समस्या है, बताकर उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। अस्थियां मतलब उनकी हड्डियां। उन हड्डियों को त्वष्टा के कारीगर को दे देना। एक त्वष्टा नाम का कारीगर होता है, उन हड्डियों को आपको त्वष्टा नामक व्यक्ति को दे देना है। वह उनसे वज्र नाम का हथियार बना देगा, उसी से वृत्रासुर को मारा जा सकेगा। तो दधीची त्वष्टा नाम का जो कारीगर है, उन हड्डियों का कुछ वज्र नाम का हथियार बना देगा और उसी हथियार से आप उस राक्षस को मार सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कहानी है, इसी कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न भी है, उन प्रश्नों के हल आपको करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इस छोटे से कहानी में आपको मिल जाएंगे, काफी आसानी से मिल जाएंगे। आपको इनको कॉपी में करना है।